हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत करती हूँ मेरे श्री क्लासिक किचन में। जैसा कि दोस्तों होली है और मैंने आप लोग के लिए स्पेशल रेसिपी शेयर की है, खीर की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मैं चाहती हूँ आप भी मेरी तरह ये रेसिपी ट्राई कीजिए, कैसी बनी मेरे साथ शेयर कीजिए। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया आधा लीटर दूध, और जिसे मैंने पहले ही बॉईल कर चुकी थी। यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं जिनका मैंने देखो लिस्ट बनाया है, तो आप उसके अनुसार ले लीजिए, कम ज़्यादा आपके ऊपर है। मैंने अपने हिसाब से बनाया है, रहोगे तो हर चीज़ ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप इसमें जो भी रखा लिखा है, चावल, शक्कर, बादाम, जो भी, तो आप अपने अनुसार लीजिए। और इसमें हमने डाला है चावल, जिसे हम 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट के बाद पकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। शक्कर मैंने लिया था 4 टेबल स्पून, और हम इसमें मिलाएंगे इलायची, इलायची पाउडर, एंड इसमें काजू, बादाम, पिस्ता एंड अनारल का बुरादा। आपके पास जो है आप वो यूज़ करिए, और मेरे पास जो था मैंने फिलहाल तो वही डाला है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जैसे कि खीर का देख सकते हैं कितना टेक्सचर, कितना अच्छा बना है, आप देख सकते हैं। इसे और 5 मिनट तक चलने दें। फिर देखिए हमारा खीर तो रेडी है, और इसे मैंने थोड़ा, मेरे पास चॉप किए हुए कुछ ड्राई फ्रूट बचे थे जिससे मैंने डेकोरेट किया है, आप वीडियो में देख रहे होंगे। तो अगर आपको कैसी लगे मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।